पे भिंडी मिर्ची है, तो मैं सब्जी बनाऊंगी इसकी। तो यहाँ पे लहसुन और तेल में यहाँ पे देखिए भिंडी की सब्जी बन के तैयार है। ये बेडशीट गंदी हो गई है तो मैं इसको हटा रही हूँ और अभी मैं ले लेती हूँ बेडशीट। बिछाऊंगी दोनों में से कोई सी भी। हाय शिवम, हाय, सभी को जय माता दी, राम राम, सभी को राम राम। हमारे दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है। और कल मैं ये वाला कुर्ता लेके आई हूँ, इस तरीके की इसकी प्रिंट है, ये वाला वर्क, ये धागे वाला है, तो उसका कलर मुझे अच्छा लगा। आ रही हूँ मैं, आप चलो। ये हम खा रहे हैं छोले अभी। एक छोटी टेबल रख दी तो मैं इस, और ये है आई वगैरह, और यहाँ पे मैं मनी प्लांट लगा रखी हूँ। तो ये बिल्कुल एक डंठल था और ये है ना एकदम एक डंठल सी था, तो मैंने है ना जो इसको पानी में लगाया और ये अच्छे से ग्रो हो गया। तो इस तरीके से ग्रो हो रहा है, देखिए नई पत्तियाँ भी आ रही है इसमें, सारे रूट्स बने हुए हैं। और यहाँ से सूख गई थी एक पत्ती, उसको मैंने हटा दी, और यहाँ से भी एक नई रूट निकल रही है और ग्रो हो रही है धीरे धीरे। और इस तरीके से मैं लगा रखी हूँ। ये छोटी सी टेबल है तो ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी भी स्पेस ज़्यादा लेती है, जगह ज़्यादा लेती है। और ये टेबल है तो इस पर आराम से बैठ के कोई भी काम कर सकते हैं। मैं तो एडिटिंग का करती हूँ वैसे। और इधर जो मच्छर को लगा दिया मैंने, और यहाँ पे छोटी सी टेबल में यहाँ रख रखी हूँ, तो यहाँ पानी का जग और गिलास रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं मेरा बेड लगा रखी हूँ, दीवान। और इधर नीचे है ना जो ये वाला गलीचा बिछा रखी हूँ, तो ठंडा भी नहीं लगता है और अच्छा भी लगता है। जब बेड पे जाते हैं ना तो पैर साफ हो जाते हैं इस पर भी। और एक छोटा सी मैंने यहाँ पे लगा रखी हूँ, तो इस तरीके से है छोटा सी रूम। और यहाँ पे मच्छरदानी रखी हुई है, इसको मैं वॉश करके रखी थी लेकिन अभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं लगा ही नहीं, तो यहीं रखी हुई है। Thank you.
मस्त है ना, चाट अच्छी लगती है। इसमें नींबू भी है काफी सारा। हाँ चाट मतलब डाल के ना अच्छा लगेगा। और ग्रीन चने,